रोल को समझना, उसकी प्रेपरेशन करना और उसे बखूबी अदा करना एक एक्टर की कामयाबी है। आमना शेख चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करने में खास शोहरत रखती हैं। आपने इनको यादगार कैरेक्टर्स करते देखा और पसंद किया है। लोगों को शिकवा रहता है कि ये कम काम करती हैं। शायद इसकी वजह सब्जेक्ट की सिलेक्शन है। आज कॉन्वर्सेशन में ये हमारी गेस्ट हैं, आइए इनसे मिलते हैं। मुझे लग रहा है कुछ फन आने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ घर आने वाला है। अच्छा तो आमना सर बताइएगा प्लीज के आपको कितने साल हो गए एक्टिंग करते हुए? मुझे कितने साल हो गए प्लीज जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये वही सवाल होते हैं जो आपसे हर मॉर्निंग शो में हर इंटरव्यू में पूछा गया था और मैं नहीं पूछूंगी। मैं मॉर्निंग शो गए हुए बहुत अरसा हो गया ना, लेकिन पूछ लिया ना, पूछ लिया और जो भी इंटरव्यू किया है, जो भी कुछ किया उसमें पूछा है आप। और दूसरा फेवरेट सवाल, आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ जी? आपको कैसे पता चला कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? हो गया, तुम बता चुकी हो दुनिया को 11-12 दफा हो गया। ओके, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंटरव्यू से क्यों भागती हो? क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका है ये काम करते हुए और कोई नए सवाल नहीं आते मेरे पास, वो ही घिसे पिटे सवाल होते हैं। आप मुझे से कैसे मिली, कब मिली, आपने ये कैसे शुरू किया, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो ही चीजें आप मैनेज किस तरह करती हैं। सो इट्स द सेम क्वेश्चंस आई फील अगर ऑडियंस गूगल करके यूट्यूब में देख ले तो तुम्हें बैठने की क्या जरूरत है, इतना मेकअप लगा के। और तो अगर टाइम के साथ साथ हम बड़े हो रहे हैं तो टाइम के साथ साथ सवाल भी जरा बड़े हो जाए, बेहतर और बड़े हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम ड्रामों में रोती हो, तुम ड्रामों में बहुत रोती हो, ये कोई दो तीन सवाल है एक सवाल में से। एक तो पहले ये मुझे बताओ दैट बीइंग द डायनामिक वुमन दैट यू आर एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, बिकॉज दो हम सोशली मिले 8-10-12-15 दफ़ा, लेकिन वो वाला सीन नहीं है कि हमने वन ऑन वन अकेले बैठ के हमने, बट एक जो इम्प्रेशन मिलता है इंसान को वो ये है कि तुम एक बहुत ही ठंडी, बहुत काम, एक बहुत स्पिरिचुअल किस्म की औरत हो। अच्छा, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से ये जो ठंडी लव्स है ना, इट्स नॉट वेरी, इट्स अ बैड वन, नो इट्स अ बैड नहीं, इट्स नॉट वेरी, इतना कोई आला उसका वो कनोटेशंस नहीं है। अच्छा सॉरी, फिर ऐसे बोरिंग, मैं दोबारा सवाल के बस ठीक है, ये नहीं नहीं, आई मीन इट इन अ वेरी गुड वे। हाँ कि जस्ट काम, और तुम में ये है, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी तुम किसी डिनर पे आती हो या किसी के घर आती हो और बैठते हो और 8-10 लोग होते हैं, तुम अपने साथ एक काम एनर्जी लाती हो, तो तुम क्या असल में ऐसी हो? हाँ नहीं, मैं आई थिंक पीपल हु आर अराउंड मी विल बी अ बेटर जज ऑफ दैट कि मैं ऐसी हूँ या नहीं। मेरे घर वाले शायद डिफरेंटली, ऑब्वियसली घर वालों से कभी नहीं पूछना चाहिए कि हम कैसे हैं, चाहिए क्योंकि वो सिर्फ घर वालों के लिए वो एस्पेक्ट होता है, वो और किसी के लिए नहीं होता। व्हाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड दैट? आई डोंट नो, बट इट यू विल गेट अ डिफरेंट फीडबैक फ्रॉम से माय पेरेंट्स और फ्रॉम यू नो now my little one and my siblings especially I think will get a very different feedback from them. lekin kaam ke hawale se jo friends hain wala circle hai, they have a fairly different feedback on me aur main khud jo feel karti hu I feel like maybe it's just the pata nahi hai ek I'm more of an observer. I feel if I go somewhere I'm genuinely interested in people and genuinely interested in going into a new environment and for the most part I'm like a sponge, main absorb bhi kar rahi hoti hu zyadatar and which I've noticed about myself, like I like asking questions and hearing what people have to say about yourself. No not about myself, just generally, just the generally world, like what is everyone's concern. How boring in life it is, na? Why don't you just have to talk about yourself? I wish I could just. अच्छा सुनो, तो तुम्हारा ये जो एक कामनेस है वगैरह, ये इसलिए क्योंकि तुम अपनी सब्जियां खुद उगाती हो? आपको पता है ये अपनी सब्जियां खुद उगाती हो? अभी तक उगा रही हो खुद? यार वो यहां छत पे एक एक्सपेरिमेंट तो चला था ना, घर के बाहर एक पट्टी बनाई थी, वहां पे भी हमने किया काफी, और कुकर भी पाले और मुर्गियां भी रखी, देसी मुर्गी के अंडे और सब कुछ किया, लेकिन हमारी जो एनवायरमेंट है ना वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। मतलब यू रियली नीड अ खेत एंड यू रियली नीड
तो वो होता है ना कि अच्छा बच्चों को गार्डनिंग कराओ, आपने पढ़ा हुआ होता है कि यू नो डिगिंग इज गुड फॉर देम वगैरह. तो हमने तो सीड्स लगा लिए, हमने खीरे लगा लिए, हमने टमाटर लगा दिए. भाई अब ठीक है, लेकिन जब टमाटर ही दो निकल रहे हैं तीन हफ्तों में तो फिर सस्टेन कैसे करें? सही बात है. I mean it's great short term, लेकिन उसको लंबा चलाने के लिए आपको वाकई एक proper land चाहिए, आपको farming के वो चीज चाहिए. I would love to do that as my retirement plan, but उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने चार साल अपने जो मैंने college के गुजारे ना वो मैंने खेती बाड़ी वाले environment में गुजारे. So it's it kind of seeped into गांव में गई थी पढ़ने. मैं गांव में गई थी पढ़ने, अमेरिका गई और गांव में गई. मतलब सब कहेंगे क्या, what a waste of money, what a wasting of the monies. So yeah, I lived on a completely like a farmland. Hampshire College is where I went, in Amherst, Massachusetts, and school. It was all sustainable living. आप अपनी सब्जियां खुद जाके. Then you ruined for life, na? Yeah, pretty much. How do you get that out of your system then? You don't. Then this is how I perceived that. अच्छा सुनो, तुमने ये भी बात कही कि जब हम कामनेस की ही बात कर रहे थे कि योर सिबलिंग्स पर्टिकुलरली सॉर्ट ऑफ यू नो वी शुड आस्क देम अबाउट यू. तो एक भाई तुम्हारा मैराथन रनर है और एक भाई तुम्हारा हाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर है न्यूयॉर्क में और तुम हो. तो ये क्या ब्रिगिंग थी तुम्हारी यार, ये क्या था? कंफ्यूज्ड एवरीवन. आई एम, आई वेरी लाइक व्हाट, आई मीन वी वर वेरी कंफ्यूज्ड, डिसफंक्शनल काइंड ऑफ अ फैमिली. हां, इवन आई एम कंफ्यूज्ड. या नो, माय भाई तो सी माय फादर वाज हिज हिस्ट्री इज के ही वाज द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली. क्योंकि ये एंड यू आर द ब्लैक शीप ऑफ योर्स. एंड आई एम द ब्लैक शीप ऑफ माय फैमिली. एंड but slowly my brothers have caught on. वो लेट जरा उन्हें एहसास हुआ कि यार जिंदगी में वही करें जो आपको दिल चाह रहे. तो लेकिन अब्बा वॉज द ब्लैक शीप इन द सेंस कि हम हैं, हमारा ताल्लुक गुजरांवाला से है. सो अब्बू वॉज ओनली वन हू वांटेड टू डू मेडिसिन. एवरीवन एल्स वॉज इन द लूमे टेक्सटाइल वाला जो चलता आ रहा है उसमें. सो देयर ऑल स्टिल देयर. And Abbu was the only one who left. He, you know, kind of educated himself. Punjab University pe bahar chale gaye. Phir pharmacy mein unhone kiya. So wo apne hi kisi tangent pe nikal gaye. So when we were all born, so he had a very fixed notion of success and the American dream and all of that, which was transferred into bhai zyada. Yeah. And my brothers and I have a 9-10 year difference. So by the time I came about, they became a little more relaxed. Relaxed. And I kind of took advantage of that. Good, of course. And then it was all downhill from there. Talking about downhill from there, I would like to hand you these cards. Okay. And they're sort of self-explanatory. You can understand. Ab aap zara, main chahti hoon ki aap zara Punjabi police officer banke zara ye pulse character mein aaye, please serious ho jaye. Ji ji, acha sahi hai. Inko dekhu main. Ha. बंदे मशकूक लग रहे ने, इन्हां दी तलाशी करो. ओए ओए, ऐ ते पुलिस केस हैगा. अच्छा भाई, डिड दैट वर्क? इट वाज एक्सीलेंट, आई मस्ट से. अच्छा भाई, लियाकताबाद में लड़के जो हाँ क्रिकेट खेलते हैं ना सड़क पे, क्रांची में. अच्छा चले लियाकताबाद. ओके, अबे जब से हमारे मोहल्ले में लौंडे बैट बॉल क्रिकेट खेली है ना, अरे फैजान को लाओ यार. एक और ही फिल्म चलती है यहाँ. ये फैशन के ट्रेंड तो बदलते ही रहते हैं हमारे करांची में. करांची में तुम सही थी. जब से हमारे मोहल्ले में ये लौंडे बैट बॉल ले, मैरीन को लगेगा जरा डायरेक्ट करें इसको. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इसका मतलब है कि लियाकताबाद में नहीं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकती. नहीं, लियाकताबाद में मुझे फैजान जैसे एक्टिंग कोच चाहिए, स्पीच कोच. खींचते हुए कस लें और मेटल माटल का चपटा हिस्सा बकल में डाल लें. लेडीज एंड जेंटलमैन, मे वी हैव योर अटेंशन. I've never met this air hostess, but I want to meet her. No, but they're so breathy. I know, they're very like in the... I don't know what they're trying to achieve. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Acha, aap kaun sa tumhe karna? Ab mujhe karna hai burger chicks. Burger chicks? Okay.
जिंजर टी पीने से आपका स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. जिंजर टी पीने से आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. आई एम सॉरी, मुझे ना माय उर्दू इज क्रैप. आई एम सो सॉरी. Oh girl, I don't mind, you know, because I'm thinking I'm going to go and make a quinoa salad. Oh, defo darling, let's please go and do that. अच्छा मुझे अपार्टमेंट का एड सुनना है. रवीना हाइट्स 50 और 80 गज के कुशादा लग्जरी अपार्टमेंट्स जिनमें है अमेरिकन किचन, इंटरकॉम की सहूलत, सफारी पार्क से मुंसलिक. बुकिंग के लिए आज ही रुजू करें. So how do you manage? Because you're not the conventional गोरी चिकटी हसीन. Yes, हसीन. लेकिन तुमने ये कैसे बैरियर अपना ब्रेक किया और अपने आप को किस तरह एक्सेप्ट करवाया? अब मुझे एक बात बताओ, इस मुल्क में एक बहुत शदीद एक शौक है लोगों का गोरी बहू का, गोरेपन का, गोरी क्रीम्स. It's not just, अब सिर्फ खवातीन में ये मसला नहीं पाया जाता, अब ये बहुत शदीद तरीके से बॉयज में भी आ गया. हाँ, मर्द हजरात में भी आ चुका है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा जो मीडिया है वो इस तरह गोरेपन को अपनाता है कि उभारता है कि सबको शायद ये जरूरत महसूस हो गई है एज अ रेसिपी टू सक्सेस. So how do you manage? Because you're not the conventional गोरी चिकटी हसीन. Yes, हसीन. लेकिन तुमने ये कैसे बैरियर अपना ब्रेक किया और अपने आप को किस तरह एक्सेप्ट करवाया? कैसे हुआ ये? मेरे जहन में मेबी शायद इस वजह से कि जिस तरह का मेरा खानदान है या मैं जहाँ पे पढ़ाई की है वहाँ ये चीज़ मेरे लिए एक फोरफ्रंट वाला इशू नहीं था. मेरे और बड़े इशूज़ हैं, लेकिन ये रंगत वाला इशू जो है वो उसको कभी मैंने जैसे कहते हैं अहमियत नहीं दी. प्रोटेस्ट नहीं किया उसके बारे में. कभी ये फील नहीं हुआ मुझे कि इट्स बिकॉज ऑफ माय कलर दैट आई एम नॉट एबल टू गेट वेयर आई वांट टू गेट. इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क और मैं जितना उसमें डालूंगी उतना मैं आगे बढ़ूंगी. ये चीज़ हमेशा रही है बचपन से. ये नहीं रहा कि आपके अपीयरेंस की वजह से आप वहाँ नहीं पहुँची जहाँ आपको पहुँचना है. तो इवन जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था तो मैं यहाँ थी नहीं, यानी मैं बाहर से पढ़ के वापस आई थी, फिर मैंने काम शुरू किया था. तो मेरे ख्याल में मैं शायद माहौल का असर मुझ में इतना था नहीं जो मैं उस चीज़ को बिकॉज मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता कि अगर आप देखें असल में जो फोटोजेनिक जो ख़वातीन हैं, जो असल में जो खूबसूरत ख़वातीन मानी जाती हैं दुनिया की, वो गोरी चिट्टी नहीं होती हैं. उनमें से कोई भी नहीं है. आई मीन अगर आप मैं नाम नहीं लेती चलो, लेकिन पूरी लिस्ट शुरू हो जाएगी जो ऑन स्क्रीन मानी जाती है. दे आर नॉट. और हमारे तो खैर हर रंग को, लेकिन यूएस में हर रंग को तो नहीं कह सकते ना आप. जामनी लोग नहीं होते, हरे लोग नहीं होते. वेस्टर्न मीडिया पीले पे रुक जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है. इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि यू आर लाइक अच्छा क्या डिफरेंट है, मैं तो आई डू हैव समथिंग. लेकिन हमारे यस इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमारे मीडिया में हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है. बातों में भी जो रोल्स मैं करती आ रही हूँ, मुझे तो सीरियल्स कर करके एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत ही शदीद इम्पॉर्टेंट लोगों का इशू है कि इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि ये गोरी नहीं है. पहली चीज़ ये कही जाती है कि लड़की गोरी है, लड़की ये है वो है. तो मुझे ये काम करते हुए एहसास हुआ कि कितना ये डीप रूटेड है. अफसोस के साथ अब जैसे फिल्मों का दौर चल रहा है एंड अब आई ट्यून इन टू कॉन्वर्सेशंस जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि भाई आपकी जो हीरोइन है वो एक टाइप बसी हुई है हमारे प्रोड्यूसर्स और जो हु कॉल द शॉट्स उनके जहन में कि अगर जैसे मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म है तो उस लड़की की जो टाइप है वो ये चार चीज़ें होनी चाहिए. और उसमें इन अ लॉट ऑफ केसेस योर कम्प्लेक्शन इज वन ऑफ द थिंग्स डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ of a heroine also. तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी है कि बहुत से लोगों ने ये टैबू तोड़ा है. पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रही हूँ, हमारी जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं दे हैव ब्रोकन दिस. जहाँ गोरी खवातीन है वहाँ सामली भी है जो कि मेन स्ट्रीम लीड्स कर रही हैं, अपने आप को मनवा रही हैं. बिकॉज वी रिफ्लेक्ट ऑन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में क्या ज्यादातर तो यही शेड चल रहा है. अच्छा एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल
तुम जो कैरेक्टर्स करती हो, बहुत सी दफ़ा यू नो ये डिस्कशंस होती हैं और ये बात होती है कि जिस किस्म के ड्रामे जो हैं जो अब टीवी पे आ रहे हैं, एक तो नन ऑफ अस एक्टर्स अंडरस्टैंड दिस कि एक तो इतना रोना धोना होना ज़रूरी क्यों है और सारी ख़वातीन इतनी मज़लूम क्यों दिखाई जाती हैं। बिकॉज अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, और मैं सिर्फ एक तबके की बात नहीं कर रही हूँ, सारे तबकों की बात करें, अपने घर में कम अज़ कम ख़वातीन अनलेस दे आर वेरी रिप्रेस्ड या अगर बहुत दबाई गई हुई हो कहीं कहीं, अपने घर की वो मलकाएं होती हैं। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना कि वो अपनी अम्मी की बात नहीं सुनते या उनको अम्मी से चित्तड़ नहीं पड़ते या अब्बा जो हैं वो अम्मी से ज़रा डरते नहीं हैं या थोड़े झेंपते नहीं हैं कि भाई यू नो आपस में मर्द भी ये मजाक उड़ाते हैं। तो हम क्यों ये कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कि रोना धोना दिखाना है? और कभी तुम्हें ये मसला होता है जो तुम कैरेक्टर्स प्ले करती हो कि यार ये क्या है या ये हम क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर, आई थिंक है एक पॉइंट के बाद, लेकिन यू नो ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है, कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट भी है एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन ऑल्सो। हाँ वही, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है क्योंकि मैं लाख कह लूँ, अगर मैं एक सीरियल कर रही हूँ उसमें ज़्यादातर आप ठीक है आप एम्पावर कर रहे हैं खातून को, लेकिन वो लास्ट एपिसोड में जाके एम्पावर होती है, लेकिन जो 36 एपिसोड आप उससे पहले कर रहे हैं उसमें आप उसके स्ट्रगल ही दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं and I'm always conflicted when I'm playing that kind of a character. लेकिन और ज़्यादा conflicting हो जाती है जब वो चीज़ on air जाती है और जब मैं as a actor मैं आवाम में निकलती हूँ किसी काम से और जो मुझे feedback मिलता है वो ये मिलता है कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी बहन की कहानी है, ये मेरी फलां की कहानी है, ये हमारे घर में हुआ है ये। और जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ overwhelming majority में and not just the awam लेकिन हमारे circles में when I see के वो कह रहे हैं कि मात वाली story तो मेरी बहन की कहानी है, I'm just like then that means I'm wrong, like जो मेरा internal conflict है कि यार ये हम क्यों project कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, that means it is लगता है कि हम हैं just a percentage और ज़्यादातर awam is facing this, ये it's reflecting their situation। अब पॉइंट ये है कि आप उस सिचुएशन को ठीक है रिफ्लेक्ट करें, लेकिन आप उससे निकालने की कोशिश भी तो करें ना, करके टूल्स पास ऑन करें थ्रू योर सीरियल। बिल्कुल, बट नॉट इन द लास्ट एपिसोड, इट हैज सच अ गुड पॉइंट, या मे बी यू स्टार्ट विद इट बट इन योर थर्ड फोर्थ यू जस्ट स्टार्ट इवॉल्विंग द फीमेल इन सच अ वे कि आप पास ऑन कर रहे हैं वो टूल्स कि दिस इज हाउ यू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। बस ये है, बड़ी अच्छी बात की आपने, सॉल्यूशन ला सकते हैं इस डायलेमा को क्योंकि ऐसा है कि पीपल रिलेट टू इट, आई मीन इट्स नॉट दिस रेटिंग थिंग इज नॉट ऑल फॉल्स, लेट्स नॉट गो देयर, या दैट्स अनदर, बट मैं तो डायरेक्ट फीडबैक से कह रही हूँ ना कि दैट मैसेज विद माय माइंड इवन मोर। तो अपनी सोलेस के लिए आई एंड अप देन डूइंग प्रोजेक्ट्स जो बीच बीच में बहुत क्वर्की चीजें आ जाती है ना मेरे पास, जैसे भाग आमना भाग एक चीज था व्हिच वाज रिपीटेड टू डेथ, you know about a sprint runner जो हमारी है नसीम हमीद, उसके ऊपर एक फिल्म बन गई, वो कर लिया, एक म्यूजिक वीडियो किया माय पंजाबी लव फॉर यू जो कि एक खेती बाड़ी करती हुई लड़की एक किलबिल कैरेक्टर बन गई। तो दीज आर थिंग्स दैट आई रियली होल्ड ऑन टू, कि कोई इस तरह का आ जाता है ना मेरे पास, आई फील दैट्स वेयर आई एम शेडिंग एंड ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट, इवन इफ इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। आमिर लियाकत, वो जो एडिट नहीं आया था उनका, उसमें क्या लव्स था वो जो बार बार बोल रहे थे? अच्छा चलो ओके, अब बहुत सीरियस हो गया, सॉरी सीरियस हो गया, अब मजा करते हैं दोबारा, फौरन जवाब देना है बगैर सोचे, नहीं कहो इसको यार, बस वो कर लिया ना, और लोगों ने सीन्स करती हूं ना, हम वही कर रहे हैं, हम उसको रैपिड फायर नहीं कह रहे, लेकिन हाँ बस हम ओरिजिनल हैं। अच्छा ओके, ये हम किसी ने सोचा नहीं है पहले करने का, ओके ये हम कर रहे हैं सिर्फ। सरी टुनियो या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा। बेगम वाली डोनाल्ड ट्रंप इज, इसमें जरा मैं तुम्हें एक सेकंड दे सकती हूँ। माय एक्टर रोल मॉडल इज केट ब्लांशेट। माय फेवरेट बॉडी पार्ट इज, दैट्स इंटरेस्टिंग, टाइम नहीं है जल्दी Eyes. बोलो क्या अभी टाइम आईज आंखें, हां ओके, थ्रेडिंग और वैक्सिंग? ओ भाई वैक्सिंग इज लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा सही है, दाम या मात? दाम। हां यहां तो तुमने दाम ही बोला है, नहीं नॉट बिकॉज़ मेरी मतलब दाम में लोग बहुत थे,
सबसे फेवरेट तुम्हारी ट्रैवल डेस्टिनेशन? इस्तांबुल. इस्तांबुल, नाइस. सलाद या नहारी? सलाद. अच्छा, आमना शेख इज़ जल्दी lost, you blank canvas. Blank. I would say blank full stop after this response to this blank question. Canvas. Blank. Project that you regret. Quick. Yeah, there was this project I did. I don't want the history of it. I forget the name. See, it's okay, so forgettable that I forgot lovely. The name. I was like, what a waste of time. अच्छा, नाम ही नहीं याद मुझे. अरे ओके, एक्सेलेंट. अच्छा, अब मुझे, मैं लोगों के नाम लूंगी और तुमने एक लफ्ज फौरन बोलना है. इसमें अगर तुमने टाइमिंग सही नहीं रखी तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. ये फिर भी रैपिड फायर नहीं है क्योंकि आप यूनिक हैं और आपने बिल्कुल कभी किसी कभी भी नहीं किया. मैंने कभी नहीं देखा टीवी पे ये होते हुए. ये कभी नहीं देखा मैंने, ये सिर्फ हम कर रहे हैं. ओके, हाँ. अच्छा, मैं नाम लूंगी, फौरन जवाब देना. मेरीन जब्बार. किंग. हुमायूं सईद. क्वीन. बेचारा मेरा दोस्त. नुमान एजाज. ओह ओके, सही है, जवाब आ गया. हाँ, सबा कमर. एक्सेलेंट एक्ट्रेस. शान. ओ मैं दे देती हूँ जवाब, है ना, सही है. सोनिया रहमान. मिसेस फनी बोन्स की पाकिस्तानी वर्जन. डन. सनम बलोच. ओ दाम. आमिर लियाकत. ही कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू वंस और मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्यों बुला रहे हैं इंटरव्यू पे. मैं नहीं गा सकती, आई एम सॉरी. मुझे बोला जा रहा है कि मैं गाऊं, लेकिन काश, बिकॉज़ आई थिंक इट, यू नो, आई जस्ट ट्यून भी नहीं याद. हां, तुम गाओ जरा, तुम गा सकती हो. मैनकाइंड एंजल्स. ट्यून क्या था, थोड़ा कुछ एंजल्स, कुछ अजीब सा था वैसे वो. आई एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर बिकॉज़ वो विजुअल इतनी कमाल की थी ना, वो परी जोड़ती हुई जा रही थी गार्डन में. अब उनका अपना बच्चा था, मैं मम्मी यही बनूंगी. हां, उनका अपना बच्चा था, एक बच्चा भी था ना. हां ना, ऑले स्वीट. अच्छा, आप सीरियस पे आ जाओ फौरन. स्विच. ओके. इन दिस टाइम ऑफ शेमलेस सेल्फ प्रमोशन, हाउ डज अ वेरी सीरियस एक्टर लाइक यू नेविगेट हर वे थ्रू इट? Publicist, PR company, they do selfie. They do it all. नहीं, लेकिन मैंने Jackson Heights में बहुत सेल्फियां ली. First time my selfie master came out and they gave me a T-shirt that says selfie queen. Nice. Selfie master. But उसको social media पे डालना is उधर तक नहीं पहुँचती. उधर तक नहीं पहुँचती. Selfie ले लेती हूँ. हाँ. And if I write anything, I think 100 times before letting it out. हाँ. And that's I don't know, बहुत काम है यार. So you get a publicist, a PR company to do that for you. और वो करते हैं लोग. But they have to do it in alignment with your personality. तो ये अगर ना हुआ तो मैं वो नहीं कर सकती जो उर्वा मावरा या जो हमारी कर सकती हैं कि constant वो. They're younger, they're with it. But so the PR company does it according to my personality, whatever it is, which is that like they think what? It is. I don't want to be on social media. No, I'm then private. Then they just keep it very work centric. Or agar substance type. अच्छा, एक इस पे मुझे याद आया कि तुम जब पहली दफा स्टेज पे तुमने डांस किया, मैं तो बेहोश हो गई. हाय, मुझे नहीं समझ आई कि ये तुम कैसे कर रही हो. भाई, मुझे डांस का बहुत शौक है. अरे जी हाँ, मुझे बहुत शौक है. बचपन का शौक था ना. हमेशा से एक फैंटेसी रही है मेरी के मैडोना. आप डाल ले सारे अल्फाज मेरे मुंह में. अच्छा, मैं चुप हो जाती हूं. मतलब इंटरव्यू है ये. चलो हां, चले. सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ रियली गुड डांसर. यू आर अ रियली एंड अ सिंगर टू. लेकिन यू नो, मैं नहीं बख्शता ना हर चीज. और बचपन से ट्रेनिंग भी नहीं हुई भी. लेकिन फॉर द लास्ट मंथ आई डांस एवरी डे फॉर 3 hours. आई एम बीइंग ट्रेन्ड जस्ट बिकॉज इट्स ऑन माय बकेट लिस्ट एंड आई वांट टू गेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम. ऑल काइंड्स. अभी क्योंकि आई एम द वीकेस्ट एट so I am getting my thumkas right. तुम baby को ना. या मैं वो जो feminine एक अदा है ना, उसपे मैं focus कर रही हूँ कि वो निकले अब. It's high time. और किसमें successful हो सबसे ज़्यादा? बस अब मैंने महीना लगाया तो बेहतर तो हो गया है. नहीं, लेकिन के अलावा तुम कह रही हो ना हर किस्म के dance. हाँ, hip hop, modern. Hip? Hip hop is something that comes easier to me because it's more structured and a little more masculine kind of thing. So that comes easy to me. Whereas जहाँ पे ये आ जाता ना,
ये सारी चीजें आ जाती हैं, लहराना जरा जरूरी, ये नहीं होता मुझसे, बिकॉज एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट एंड दैट्स व्हाई आई हैव मैंने तहिया कर लिया कि ये मुझे आई हैव टू ओवरकम इट इज बिकॉज व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप ये बॉडी इमेज वाली चीज और अपने आप को कवर करना और ये सारी एक जो रिलीजियस चीजें इन्फिल्ट्रेट होती हैं बहुत शदीद मेरे अराउंड रहा है एंड इट्स इन मी एंड इट स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड आई हैव टू शेड इट कैन यू शेड बट आई हैव टू शेड इट इन द वे दैट आई फील इज मोस्ट टेस्टफुल अच्छा भाई चलो मैं अब चलें अब मैं ये बड़े दिलचस्प सवाल हैं सही ठीक है छोड़ दें अब आप छोड़ दें एक्टिंग सब छोड़ दें वो सब कर दें चे गवारा कहाँ कौन से मुल्क में पैदा हुए थे ओ भाई क्यूबा चे थप्पड़ लगाऊंगा क्यूबा में काम कर रहा था नहीं अर्जेंटीना अर्जेंटीना ये ओके अरे अब जनरल नॉलेज सवाल होंगे हाँ आ जाओ जोन में आ जाओ चलो 138 माइनस 69 Really? Yeah, yeah. I have the answer because I can't do it. Okay, and I, hold on. Honest 38 minus 69. Minus one plus kyun nahi? 8 minus 9, 8, 18 se 9 nikla, 8 aaya, 130 tha na, 13. Bhai, ye to kal naashte ke baad jawab milega. 13 se 6 nikala, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nahi, phero. 13 से हमने 6 निकाला इससे आगे भी है भाई 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 79. अरे भाई 138 minus 69 minus 33 divided by 18. Excuse me? मतलब मैं क्या हूँ? जवाब आ गया excuse me. चलो चलो excuse me is the answer. पूरा episode लगेगा इसमें. हाँ. The world's largest mammal. दुनिया का सबसे बड़ा mammal. Rhinoceros? चुप कर जाओ समंदर में mammal. वो भी mammal ही होता है. नहीं मैं बताती हूँ Whale. Yes, blue whale. Well done. Pakistan's oldest living city. Mohenjo-daro. जी नहीं सबसे पुराना शहर ठट्टा जो आज तक शहर है ठट्टा नहीं this is interesting. पिशावर अच्छा पिशावर जब सोनिया 16 साल की थी पता नहीं कब थी लेकिन चलो जब सोनिया 16 साल की थी उसका भाई 4 साल का था भाई किस उम्र का होगा जब सोनिया की उम्र उससे दुगनी होगी ओके सो 16 16 कितने हुए उससे दुगनी होगी ओ भाई सुना करो ना एक दफा फोकस अच्छा करो ना जब सोनिया 16 साल की थी पिछली सदी में उसका भाई 4 साल का था ठीक है भाई किस उम्र का होगा जब सोनिया की उम्र उससे दुगनी होगी किससे दुगनी भाई से दुगनी या अपने 16 से दुगनी उससे एज इन भाई से दुगनी यू आर आल्सो कंफ्यूज्ड नो नो भाई से दुगनी अच्छा छोड़ दो मैथ्स भाई छोड़ दो अच्छा कैपिटल ऑफ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 24 से बोल दो 24 24 बस खत्म हो गया देखो कितनी ज़हीन है ये औरत मैथमेटिक्स चैंपियन है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिडनी ओह आई सेड एडिनबरा व्हाट एम एम से क्या है मेलबर्न अबे नहीं है ना मेलबर्न और सिडनी नहीं है काफ से है फोनिक्स कर रही हो ना बच्ची के साथ अभी क क इंसान जबान बोलने से पहले किस तरह आपस में गुफ्तगु करते थे जिस तरह मेरी छोटी कम्युनिकेट करती है कैसे ऐसे फिर आपस में बात हम सीटियों में बात करेंगे एक दूसरे से तो इसके साथ बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हमारा तो वक्त अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए हम गप्पे लगाते रहेंगे जैसे कि आमना ने मुझसे कहा कि गप्पे लगाना कहते हैं तो हम गप्पे लगाते रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग